कंगना रनौत ने शिवसेना को दिया ओपन चैलेंज, कहा 9 तारीख को मुंबई में लैंड कर रही हूं, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। चीन की हैकड़ी उतारने के लिए हर फ्रंट पर भारत ने बढ़ाई मुस्तैदी, हिमाचल से सटे तिब्बत सीमा पर तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैयारी, सीमा की सुरक्षा में विशेष योग्यता रखता है सुरक्षा दस्ता। जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ, सुबह 10 बजे से खुले श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, कोरोना की वजह से 3 महीने बाद श्री हेमकुंड साहिब के खुले हैं कपाट। देश में कोरोना का फिर नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 84,156 नए केस आए सामने, अब तक 68,569 मरीजों की मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 39,33,000 के पार। पंजाब में तेजी से फैल रहा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 1,526 से ज्यादा नए मामले, कुल मामलों की संख्या 58,500 के पार, रिकवरी रेट 70% के पास। हिमाचल में भी कोरोना ने तोड़े रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 199 से ज्यादा नए मामले, कुल मामलों की संख्या 6,600 के पार, रिकवरी रेट 72%। नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। तरन तारण के मेहदीपुर में गुरुद्वारा साहिब की हदूद के अंदर गुरुद्वारा साहिब के प्रधान ने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का उनके ऊपर आरोप लगा, इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस ने 2 आरोपियों में से एक के ऊपर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया, जबकि दूसरा आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। मामले को 2 महीने बीत जाने के बाद पीड़ित परिवार का गुस्सा फूटा और पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया। वहीं भूख हड़ताल पर बैठी पीड़ित बच्ची की तबीयत भी खराब हुई, लेकिन अभी तक पुलिस के किसी भी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली है। आपको बता दें कि यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, प्रशासनिक नाकामियों से खफा होकर के परिवार भूख हड़ताल पर बैठा और इस दौरान जो पीड़ित नाबालिग बच्ची है वो भी, उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। विधिक 27/7/2020 का मसला आया, पिंड मईदीपुर का 376 का मुकदमा दर्ज होया, 2 दोषी है जी, अजे तक एक दोषी गिरफ़्तार कर लिया, दूजा दोषी जिहड़ा आ वह पुलिस की गिरफ्त तो बाहर आ, तो इत्थे झूठी इनकुआरी ला के बैठे आ। एक तो जी झूठी इनकुआरी वो कैंसल की जाए, एक और साड़ी लड़की नूं इंसाफ दवाया जाए तो दोषी नूं जल्दी तो जल्दी गिरफ़्तार करके तो सलाखां पिछे सुटिया जाए। हालत नाजुक है जी, रात की बम्पिंग शुरू हुई है तो नाले बहुत गंभीर हालत है जी। नहीं जी, हालत हस्पताल नहीं खड़ना है, इतने रख। वहीं फतेहगढ़ साहिब में आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका और कैप्टन सरकार से साधु सिंह के बर्खास्त करने की मांग की। आपको बता दें कि 64 करोड़ रुपए वाले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का नाम सामने आया है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब में प्रदर्शन कर रही है। खान वाला,
सारे पंजाब दे विच पंजाब दे इस भ्रष्ट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के पुतले फूके गए ने। आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ हमेशा दलितां दे हक्कां दी रक्षा करती रही है ते हुण वी जिहड़ा 63 करोड़ रुपया साधु सिंह धर्मसोत ने खाधा है उस दे वास्ते उन्हों मंत्री मंडल तो बर्खास्त किया जाना अति जरूरी सीगा। इस करके कैप्टन मंत्री मंडल दे विच उन्हों नहीं कढ रहे ते आम आदमी पार्टी जिहड़ी है पंजाब दे विच मुहिम चलाई है जिन्ना चिर साधु सिंह धर्मसोत नूं बर्खास्त करके कढ़िया नहीं जाता मंत्री मंडल तो आम आदमी पार्टी टिक के नहीं बैठेगी। दलितों के जिहड़े पैसे खाधे ने वह लोगों को दवा के छड़ेगी। महीना भर के साथ पंजाब भर के 50,000 आईलेट सेंटर पिछले 6 महीने से बंद पड़े हैं लेकिन सबका किराया चालू है। इसके कारण सेंटर मालिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसके चलते मालिकों के घर का गुजारा बहुत ही कठिन हो चुका है। वहीं आईलेट सेंटर के मालिक का कहना है कि सरकार ने जिम, होटल, रेस्टोरेंट तमाम चीज़ें खोल दी हैं, राहत दी हैं। वैसे भी आईलेट सेंटर को भी राहत देनी चाहिए और इसकी सेवाएं फिर से शुरू कर देनी चाहिए। मेनली इस मीटिंग के तहत असी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं जी वो मीडिया के थ्रू असी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि साढ़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसे आईलेट्स के इंस्टीट्यूशन हो गए सर, ठीक है जी, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जिमें कंप्यूटर सेंटर हो गए प्लस होर ट्यूशन सेंटर भी हो गए, ये सारे कोचिंग सेंटर तकरीबन 15 मार्च तो प्रॉपर लॉकडाउन दी गाइडलाइन के तहत बंद करके असी 6 महीने तो अपना कारोबार जोड़ा है वो सरकारी हदायतों के मुताबिक बंद करके चलते हैं। पर साडे जिहड़े खर्चे ने उस दरमियान, ठीक है जी, जिदे विच मेन किराया हो गया, बिजली के बिल हो गए प्लस होर मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई जिहड़ियां सानूं रेगुलर जारी है। अगर बात करें 24 घंटे की तो 1,500 से ज़्यादा मामले सामने आए, इससे कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों में चिंता की लकीरें ज़रूर बढ़ी हैं। प्रशासनिक अमला भी इससे काफ़ी जो है वो उसकी हालत जो है कहीं ना कहीं कहे तो खस्ताहाल हो चुकी है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में जो मामले हैं कोरोना के वो 15,000 से हालाँकि बहुत ज़्यादा चल जा चुके हैं, 58,500 के पार मामला जो है वो पहुंच चुका है। साथ ही साथ 15,500 से अधिक एक्टिव केस हैं। जी हाँ, एक्टिव केस 15,000 से ज़्यादा हैं और लगातार इनमें इजाफा देखा जा रहा है। जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ कोरोना से दम तोड़ने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना के 41,000 से अधिक मरीजों ने हालांकि मात जरूर दी है, रिकवरी रेट 70% जरूर है, लेकिन बावजूद जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात ज़रूर है, चिंता की लकीरें बढ़ाने वाली हैं। क्योंकि इस वक्त जबकि तमाम दुश्वारियां जो कि बिजनेस से लेकर के तमाम आर्थिक जितने भी मसले हैं वो गर्त में चले जा रहे हैं, कोरोना का जो संक्रमण है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं, कई जगहों पे ऐसी रिपोर्ट आई कि लोगों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, लोग जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क लगाने की बात हो। हालांकि प्रशासनिक स्तर पे चालान काटने की प्रक्रिया कई जगहों पे शुरू की गई थी जो कि वो भी अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से भी कई जगहों पे ढिलाई बरती जा रही है और लोग खैर उनकी तरफ से जो लापरवाही है वो तो देखी ही जा रही है। नतीजा कुल मिलाकर देखा जाए तो सामूहिक तौर पर प्रशासन और साथ ही साथ जनता की तरफ से कोई एक कोऑर्डिनेशन और उनकी तरफ से सहयोग नहीं हो पा रहा है और जिसका कारण है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो जिम्मेदारी आम नागरिक है क्योंकि प्रशासन आपको हर जगह आकर के टोक नहीं सकता है, ना ही आपके चालान काट सकता है। ऐसे में जिम्मेदारी आम नागरिक की है लेकिन जिम्मेदारी लग रहा है कि आम आदमी की तरफ से कोई पूरी करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि कई जगहों पर देख रहे हैं कि पंजाब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, बाजार में अचानक लोग पहुंच जा रहे हैं, बिना मास्क के पहुंच जा रहे हैं, प्रदर्शनों का दौर भी देख रहे हैं हम। राजनीतिक रूप से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना को जो है एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है और राजनीतिक दल भी इसमें आ रहे हैं और उनके तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनकी बैठकें, तमाम प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स हैं, जो दिशा निर्देश हैं उनकी धज्जियाँ ज़रूर उड़ा रहे हैं।
वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। जो बोले सोनिहाल के साथ जयकारों के साथ आज सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना की वजह से इस साल 3 महीने बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए हैं। इस बार सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए ही हेमकुंड साहिब के दर्शन किए जा सकेंगे। वहीं जिला फाजिलका के गांव अभून की 44 एकड़ पंचायती जमीन का मामला पिछले लंबे वक्त से सुलझता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी जिला पंचायत अफसर की ओर से बोली रखी गई है। शनिवार को 5वीं बार यह रद्द हो गई। वहीं ग्रामीणों के बीच एक तरह से गुस्सा भी दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक रंजिश के चलते मौजूदा सरपंच के साथ मिलीभगत करके हर बार परेशान किया जाता है। वहीं लुधियाना में स्केटर प्रणव चौहान ने स्केटिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। 6 साल के प्रणव ने आंखों पर पट्टी बांधकर 16 किलोमीटर की स्केटिंग की। प्रणव ने 1 घंटे 10 मिनट में यह स्केटिंग रिंग के साथ 80 राउंड लगाए। मैं तो सुबह डेली प्रैक्टिस बच्चों को करवाने आते ही था। ये अंदर करवाते थे लिम्बो स्केटिंग जो स्ट्रेच खोल के तो थोड़ा खोलता था। मैंने बोला तो ये रोज़ देखता था इनको भी कुछ करते हैं, इन्होंने कभी बोला नहीं क्या है। मैंने कहा मेरे पास लाओ इसको। मैंने तो वहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रहा ना लाइट, वहाँ से इसको बोला भी स्ट्रेच कर। स्ट्रेच खोला तो मैंने खुलवाया बोला और खुल गया। मैं क्या हम इस पर ही अभी काम करें। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले इसने गिनीज बुक रिकॉर्ड में किया है। क्या क्या उसमें? वो उसमें लिम्बो स्केटिंग का था अभी, मतलब के 9 इंच मेरी टिकट 9 इंच दी है फ्रेम जो ठीक है जी। तो वो थलों नहीं निकला जी, 29 मिनट से 42 सेकंड 61 टाइम जी। उस तो बाद इन्हें जोड़ा नैक्सट वर्ल्ड रिकॉर्ड वो किया 21 किलोमीटर का टीचा सीगा, इन्हें 30 किलोमीटर किया 2 घंटे 10 मिनट। आज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ के ऊपर बनाया? और कंगना रनौत का मुंबई को लेकर दिया गया बयान लपतूल पकड़ता जा रहा है। ताज़े मामले में कंगना रनौत ने संजय राउत पर पलटवार किया है और उन्होंने एक ट्वीट करके अपनी चुनौती पेश की है। कंगना ने ट्वीट में कहा है कि मैं देख रही हूं कि लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊँगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचकर टाइम पोस्ट करूँगी। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़े तल्ख लहजे में कहा कि किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना की बड़ी ही तल्ख टिप्पणी वाली यह ट्वीट जो है आई, इसके बाद से संजय राउत की तरफ से हालांकि इस पे फिर से उनकी तरफ से बयान आया। संजय राउत ने कहा कि कंगना जो है उनको कोई रोक नहीं रहा है और उन्होंने सवालों के घेरे में पुलिस को खड़ा किया है। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुशांत केस में ड्रग एंगल से जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड की। बताया जा रहा है कि रिया और उनके भाई शौविक की चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार तड़के रिया के घर पर छापेमारी की। एनसीबी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची। इस टीम में तकरीबन 5 सदस्य शामिल रहे। एनसीबी की टीम के साथ मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद रही। रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर के लगातार मामले में अलग अलग जो हैं वो
बातें सामने आ रही हैं और इसी के मद्देनज़र कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। अब ये इसमें एक नया एंगल शामिल हुआ है, ड्रग एंगल, और इसकी जो है तफ्तीश चल रही है लगातार, और इसी कड़ी में छापेमारी की गई है। रिया के भाई शौविक चौहान, आपको बता दें कि इस मामले में अब पूछताछ जारी है, चूंकि अब नया एंगल सामने आया है, ड्रग एंगल सामने आ गया है, इसलिए अब इसमें पूछताछ जारी है। छापेमारी के बाद, दरअसल छापेमारी मिरेंडा और रिया के भाई शौविक उनके घर पे की गई थी, 6:30 बजे सुबह ही ये छापेमारी की गई। अब इस मामले में पूछताछ चल रही है। वहीं भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच अब हिमाचल प्रदेश से लगते तिब्बत बॉर्डर पर तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैनाती की जा रही है। शिमला पहुंचने पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का स्वागत किया और सीमा की सुरक्षा करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। दरअसल तिब्बती समुदाय के बच्चों से लेकर महिलाएँ और बुजुर्ग शिमला के पंथा घाटी पर पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने सैनिकों का अभिवादन किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। इस दौरान तिब्बतन समुदाय के लोगों का कहना है कि चीन की नापाक हरकतें हमेशा से देश के लिए खतरनाक रही हैं, लेकिन अब मौका आ गया है कि भारत समेत दुनिया के बाकी देश भी चीन के फरेब को उजागर करें और उसका मुंहतोड़ जवाब दें। तो शिमला में तिब्बती समुदाय के लोग इकट्ठा हुए पंथा घाटी और यहाँ पर उन्होंने SFF के जो जवान हैं उनको उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। दरअसल आपको बता दें कि SFF एक ऐसी हाई क्वालिटी हाई अल्टीट्यूड में लड़ने वाली एक विशेष तौर की फौज है, एक फोर्स है, जो एक अलग ही इसकी ट्रेनिंग होती है, एक अलग ही इसकी जो है एक नज़रिया होता है और युद्ध मैदान में इसकी अलग खासियत होती है। मेरा नाम पालदेन दुंडुब है और स्थानीय तिब्बती संसद के महासचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले भारत माता की जय और भारत के वीर सपूतों को शत शत मैं नमन करता हूँ। और आज सभी हम यहाँ जो तिब्बती समुदाय के जितने भी यहाँ जनता लोग हैं उन सभी यहाँ इकट्ठे होके हमारे विकास बटालियन और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट फोर्स जो है खास तौर से ये एलीट क्लास के रूप में पहले पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में जाना जाता है, उन सभी को स्वागत के लिए हम यहाँ एकत्रित। वहीं सिरमौर के नाहन में कई लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत रोजगार के अवसर पैदा कर लिए हैं। इसकी सफलता के बाद ज़िले के इस योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसमें ट्रांसपोर्ट, कृषि समेत तमाम जो हैं और भी जो रोजगार सृजित जो काम है वो जोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है। इसके तहत बेरोजगार लोग अपने प्रोजेक्ट के जरिए बैंक से लोन ले सकते हैं और रोजगार पैदा कर सकते हैं। वहीं शिमला में शिक्षा संस्थानों में अनियमितताओं का फर्जीवाड़ा सामने आया है। हिमाचल निजी शिक्षण नियामक आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन मेजर जनरल अतुल कौशिक का कहना है कि आयोग के पास हाल ही में 150 शिकायतें पहुंची हैं। इन शिकायतों में ट्यूशन फीस ज़्यादा लेने के बारे में, शिक्षकों को वेतन नहीं देने और मूलभूत सुविधाओं की कमी के अलावा एग्ज़ाम नहीं करवाने की बात सामने आई है और इसको लेकर के शिकायत दी गई है। पिछले 2-3 हफ्ते में काफ़ी कंप्लेंट्स हमने रिसीव करी हैं, ग्रीवेंसेस रिसीव करी हैं और टाइम बाउंड मैनर में हम चाह रहे हैं कि उसको उसके ऊपर एक्शन हो। पारदर्शिता के लिए सबसे पहले तो हम ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का प्लान जो है वो हमने रखा है। उसमें ऐसा होगा कि हमारा कमीशन और जितनी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं बाद में इनको हमारे साथ लिंक होगा और जो भी डेटा यूनिवर्सिटीज़ का है रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी।
वहीं हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से लोग प्रदेश में एंट्री ले रहे हैं। प्रदेश की एंट्री पर पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन फिर भी लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इसके बारे में इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल ने पड़ताल की और क्या कुछ पाया, आइए हम आपको दिखाते हैं। सोलन में या हिमाचल के किसी दायरे में करते हैं, किस तरह से बात हुई आप बताइए, आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस तरह का ये मामला हुआ और कैसे हुआ। सर मैं बद्दी से वापिस आ रहा था, कल का बस स्टैंड पहुंचा सर, फिर बंदा सागर नाम का लड़का मेरे पास आया, उसने बोला कहते उस्ताद जी शिमला जा रहे हैं, इमरान जी भाई क्या बोलते हैं सवारियाँ भी ले जाओ। उसने सर मेरे को 5 किलोमीटर वापस किया और फिर मेरे पास ये सवारियाँ दी। फिर उसने बोला कहते बैरियल पे इनको थोड़ा पीछे उतार के फिर आगे जाके आपने बिठा देना, वो बाइक पे खुद आके इनको पैदल ले आके फिर उसने गाड़ी में बिठा दिया। सर मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था। अच्छा, उसने सागर को ये जो दो उक्त व्यक्ति थे इन्होंने कुछ पैसे दिए? हाँ जी, 1000 रुपया दिया सर। किस चीज के पैसे दिए वो? वो सर भाई सोलन पंचायत हो इनको। और आपको कितने पैसे में तय किया था इन लोगों ने? सर इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। आपके साथ कुछ तो बात हुई होगी कि कितने पैसे मिलेंगे? सर उन्होंने बोला कि 1000 हमने ले लिया, 1000 आप ले लेना। कैसे आप हिमाचल में एंट्री किए? वहाँ सर बोला था हम लोग जाने के लिए तो बोल रहे हैं जब पास बनता है तो हमको नहीं, ठीक है पास बनता है तो बनवा दीजिए, तो आधार कार्ड ले लिए, फिर वापस कर दिए, बोल दिए जे चलो हम चलते हैं मोटरसाइकिल से जे गाड़ी में चलो। तो आप कैसे पहुँचे हिमाचल को, मतलब हिमाचल के रास्ते में कैसे पहुँचे आप? वो बॉर्डर के पास उधर उतार दिए गाड़ी में से, बोले जब हम मोटरसाइकिल से चलते हैं जब तुम लोग पीछे पीछे आओ, तो मोटरसाइकिल से बगल साइड से बुला करके लेके आए। ये थोड़ा सा कि ये जो मामला पूरा आपसे हुआ जब आप अपने गांव से आए तो किस तरह से आपको परमाणु बैरियर में किस तरह से पूछा गया और किस तरह के लोग थे जिन्होंने आपसे ये पूछा, उसका नाम जानते हैं आप? ना नहीं जानते हैं। अच्छा, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। वो आपको कैसे मिला? वही सारा वही बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो आपको ये पता है कि वो पैसा कहाँ कहाँ जाता है, कितने लोगों को वो मिलता है? वो तो उसमें कई दलाल हैं। कैसे आपको पता ये बात का? इसलिए कि देखते हैं कोई कहता है आपस में सब मीटिंग करते हैं कि यहाँ चलो ऐसे चलो वैसे चलो। आपसे कितने पैसे मांगे गए थे? 2000। कहाँ से कहाँ के? कितने लोग थे ऐसे? ऐसे तो 3-4 व्यक्ति। आप लोग कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे। आपसे कितने पैसे मांगे गए? 2000 रुपए। तो आपने देखा कि किस तरह से इल्लीगल तरीके से हिमाचल में कोरोना की एंट्री हिमाचल में बिना किसी पूछताछ के की जाती है। पुलिस और प्रशासन की नाक के तले इस तरह के ड्राइवर्स और इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो हिमाचल में एंटर करती हैं, जिसमें ये लोग ये जानते हैं कि हाँ हमें 2000 रुपए का फायदा है, परंतु 2000 रुपए के फायदे में कितने लोगों की सेहत को ये दाव पर लगाते हैं शायद ये नहीं जानते। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। कल दुर्घटना का वीडियो पास के रेस्टोरेंट में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ तौर पर देखा गया कि जीप तेज गति से आते हुए उसने रॉन्ग साइड से आ रही थी और बाइक सवार को उसने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बनी हुई है और यह मंजर बेहद ही भयानक था, डरावना था, क्योंकि जो जीप थी वो रॉन्ग साइड से आई और काफ़ी तेज़ गति से आई और उसने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। यह पूरी जो मंजर था वो पास के एक शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और जिसे आप देख सकते हैं किस तरह से यह जीप गई और इसने यहाँ पे टक्कर मारी और इसमें युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।